हिमालयन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश को बीती बरसात में हुई भयंकर आपदा का सामना करना पड़ा। बीते कुछ वर्षों से तापमान में अचानक से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर प्रकृति के साथ मानव पर भी पड़ रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में अचानक तापमान बढ़ रहा है, बर्फबारी भी ना के बराबर हो रही है, जिसके चलते कृषि और पर्यटन आर्थिकी पर बुरा असर हो रहा है। इन्हीं सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर शिमला में एक्शन एड व शिमला कलेक्टिव संस्था द्वारा 3 दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का आज समापन हो गया। इस मीट के अंतर्गत पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर मंथन किया गया। शिमला कलेक्टिव संस्था के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन एनपीएस भुल्लर ने कहा कि 3 दिनों के दौरान जलवायु परिवर्तन और उसके कारण पैदा हो रही परिस्थितियों को लेकर विचार विमर्श किया गया और लोगों को इस विषय पर जागरूक किया गया। 3 दिन की ये मीट थी क्लाइमेट पे, जिसके अंदर हमने सभी वर्ग के लोगों की पार्टिसिपेशन हुई, जिसके अंदर आर्किटेक्ट थे, अपना बॉटनी के थे, फॉरेस्ट के थे, लीगल एस्पेक्ट था और सारे स्टेक होल्डर्स थे। सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज हमने 2 दिन में सुने। सभी की अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपनी अपनी सजेशंस थी इस क्लाइमेट को लेकर। इस क्लाइमेट चेंज के वजह से हर एक सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आया है, चेंजेस हुई हैं। अब सभी को सुनने के पश्चात ऐसा लगा है कि सभी वर्ग के लोग थोड़े से कंसर्न्ड हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं इस क्लाइमेट को लेकर, और उसको देखते हुए सभी ने अपने सुझाव रखे और सभी के सुझाव के साथ साथ सभी के अंदर एक ऐसा एक क्वेश्चन था कि भी हम इसको आगे किस तरीके से इसके ऊपर हम काम करें, किस तरीके से इस आपदा से बचें। अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास 2 ही सिचुएशन रहती है कि क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है, एक दिन में बदलाव होने वाली चीज़ नहीं है, ये आगे हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगी जो कि जिसको हमने अडेप्ट भी करना है और इस पर हमने मिटिगेट भी करना है। इनको देख के ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम आगे किस तरीके से जो है हमारा लाइफस्टाइल रहेगा, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर इसको चैलेंज को मीट करेंगे, इसका इम्पैक्ट है जो उसको चैलेंज कैसे उस मीट कैसे करेंगे। हमको इस आपदा को चैलेंज को फाइट करने के लिए एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, एक लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम उस पर अब जो है इस पर एक्शन कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेक्ट नहीं करेगी इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम एक तरफ से हम लोअर लेवल पे हर पूरी कम्युनिटी को जो है जागरूक भी करेंगे, उनको मोबिलाइज भी करेंगे और उनकी विचारधारा को लेकर हम गवर्नमेंट के साथ बैठकर इसका विचार विमर्श करेंगे और एक इसका हल बनाएंगे। ये हम अभी इसमें जो पूरा कंक्लूजन जो निकल रहा है अभी, जो आज अभी अंदर मीटिंग हो रही है, ये इसी के अलग अलग वर्ग के हमने जो सुझाव हैं वो ले लिए हैं और इसके ऊपर हम जो है वो सारे सुझाव लेकर हम ये गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि भी ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं विद क्लाइमेट चेंज और इसको हम इस तरीके से करना चाहते हैं और दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और उनके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ उनकी मदद चाहेंगे।